खान यानी कि सलमान खान हमेशा ही अपनी मेहरबानी को लेकर तमाम तरीके की चर्चा बटोरते रहते हैं। ऐसे में सलमान खान ने हाल ही में बिग बॉस सीजन 13 होस्ट किया था। लगातार 10 सालों से सीजन को होस्ट करते आ रहे हैं, तो सलमान खान सभी के बन गए हैं फेवरेट होस्ट। वेल फ्रेंड्स, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि हर सीजन में एक कंटेस्टेंट ऐसा जरूर होता है जब सलमान खान उन पर मेहरबान हो जाते हैं। ऐसा कोई ना कोई कंटेस्टेंट होता है जिसको वो बेहद ही पसंद करते हैं, और ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला था इस बार के सीजन में। यहाँ पर तमाम कंटेस्टेंट ऐसे रहे जिन्होंने सलमान के साथ काम किया था, तो वहीं सलमान खान के फेवरेट भी बनते गए। जी हाँ दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर शहनाज गिल बेहद ही चुलबुली नजर आईं, तो सलमान खान लगातार उनसे हंसी मजाक करते हुए भी देखे गए, तो उन्हें डांटते हुए भी देखे गए। सलमान खान ने हर बार कंटेस्टेंट को उनकी बुरी हरकतों पर उनको डांट भी लगाया और उनको जमकर हंसाया भी। वेल, ये तो बात हुई इन सभी के बिहेव के बारे में, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए सलमान खान की दरिया दिली की, तो जब भी सलमान खान किसी पर मेहरबान होते हैं तो उनकी किस्मत चमक जाती है, और शायद ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला है इस बार के सीजन के बाद। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये कंटेस्टेंट कौन है। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़, और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। जानकारी के लिए दर्शकों, आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले शहनाज गिल को लेकर खबरें सामने आई थी। इन दिनों शहनाज गिल आप सभी को एंटरटेन कर रही हैं अपने शो मुझसे शादी करोगे के जरिए। यहां पर उनका स्वयंवर किया जा रहा है, तो वहीं इस शो के जस्ट बाद ही पारस छाबड़ा को ऑफर मिल गया और पारस छाबड़ा भी शहनाज गिल के साथ स्वयंवर में नजर आ रहे हैं। इन दोनों का ही स्वयंवर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर शो के विनर सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर अगर बात की जाए, तो आखिरकार सिद्धार्थ शुक्ला को क्या ऑफर मिला है, ये हम आपको आज के इस खास प्रोग्राम में बताने जा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार सलमान खान का क्या है कनेक्शन सिद्धार्थ शुक्ला से लेकर। हाल ही में खबरें आई हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस को मिलने वाला है बेहद ही बड़ा सरप्राइज। तो चलिए बताते हैं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए। बिग बॉस सीजन 13 के विनर बन चुके सिद्धार्थ शुक्ला, जिन्होंने इस शो को जीतकर वो मुकाम हासिल कर लिया जिसके वो हकदार थे। वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में अगर बात की जाए, तो सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसे कंटेस्टेंट के रूप में उभर कर आए जिन्होंने अपने अग्रेशन से लेकर अपने चार्मिंग लुक से हर किसी को अपना फैन बना दिया था। सिद्धार्थ शुक्ला ने शो में बहुत ही मजेदार परफॉर्मेंस दी, तो वहीं जब उन्हें टाइफाइड हुआ तब भी वो शो में यहाँ पर कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आते रहे। शो में लगातार सिद्धार्थ शुक्ला देखने को मिले। उन्होंने शो में अपनी दमदार परफॉर्मेंस के चलते खुद को भी बुरा बना लिया था। उनके अग्रेशन को लेकर लोग उन पर तमाम तरीके के रिव्यूज भी देते हुए नजर आते थे। ऐसे में यहाँ पर बात की जाए सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, तो सिद्धार्थ शुक्ला को यहाँ पर शो के होस्ट सलमान खान भी कई बार डांटते हुए नजर आए। वेल, ये तो बात हुई शो की, लेकिन बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, सलमान खान की खबरों को सुनने के बाद आप सभी भी हैरान रह जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सलमान खान जब किसी पर मेहरबान होते हैं तो वाकई में उसकी किस्मत चमक जाती है, और शायद अब सलमान खान मेहरबान हो गए हैं सिद्धार्थ शुक्ला पर। बीते कुछ दिनों पहले खबरें आई थी कि सलमान खान मेहरबान हुए हैं एंटरटेनिंग क्वीन कही जाने वाली कंटेस्टेंट जो बिग बॉस सीजन 13 में आप सभी को हंसाती हुई नजर आई, वो हैं शहनाज गिल। हाल ही में खबर आई थी कि शहनाज गिल को लेकर कि सलमान खान की तरफ से शहनाज को मिला है एक बड़ा सरप्राइज। जी हाँ, ये सरप्राइज था कि सलमान खान जल्द ही लेकर आएंगे शहनाज गिल को द कपिल शर्मा शो में। यहाँ पर शहनाज गिल आप सभी को हंसाती हुई नजर आ सकती हैं, और वहीं आपको ये भी पता है कि इन दिनों शहनाज गिल अपने स्वयंवर में बिजी हैं। जी हाँ, शो के जस्ट बाद ही शहनाज गिल का शो टेलीकास्ट हो गया टीवी पर। ऐसे में बैक टू बैक शहनाज गिल को ऑफर्स मिल रहे हैं। वेल, यहाँ पर शहनाज गिल के नेचर की वजह से उन्हें काफी पसंद किया जाता है। उनका जो चार्मिंग फेस है, उनकी जो हंसी है और उनका जो प्यारा सा नेचर है, वो लोगों को बहुत ही पसंद आता है। लेकिन अब शायद सलमान खान मेहरबान हो गए हैं विनर सिद्धार्थ शुक्ला पर। जी हाँ,
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सलमान खान की फिल्म आने वाली है राधे, योर मोस्ट वांटेड हीरो। वेल फ्रेंड्स, यहां पर इस फिल्म की तैयारी में लगे हुए हैं। फिल्म की शूटिंग कंटिन्यू चल रही है और ये फिल्म इसी साल ईद पर रिलीज होने वाली है। ऐसे में फिल्म को लेकर कई अटकलें भी लगाई जा रही थी कि यहाँ पर बिग बॉस सीजन 13 के विजेता बने सिद्धार्थ शुक्ला भी नजर आ सकते हैं। जी हाँ, खबरें आई हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि राधे योर मोस्ट वांटेड हीरो को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है कि शायद जल्द ही सिद्धार्थ शुक्ला इस फिल्म में नजर आ सकते हैं। इस फिल्म की शूटिंग में अटकलें लगाई जा रही थी। बताया जा रहा था कि फिल्म की शूटिंग 4 से 5 दिनों में खत्म हो जाएगी। ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला सलमान खान की अपकमिंग फिल्म का हिस्सा नहीं रह पाएंगे। वेल, अब खबरों के मुताबिक ये भी सामने आया है कि यहाँ पर राधे योर मोस्ट वांटेड हीरो से जुड़े हुए सूत्रों के मुताबिक सामने आया है और इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि राधे की शूटिंग 4 से 5 दिनों में पूरी हो जाएगी। ऐसे में हम उन्हें शूटिंग में भाग लेने के लिए कैसे कह सकते हैं, और तमाम तरीके की अफवाहें सामने आई जो कि सच नहीं है। सलमान खान की फिल्म में सिद्धार्थ शुक्ला का ना दिखाई देना उनके फैंस के लिए थोड़ा दुख देने वाला जरूर है, लेकिन बिग बॉस सीजन 13 जीतने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर सलमान खान की फिल्म को लेकर सो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से ये राज खुल गया कि सलमान खान की अपकमिंग फिल्म में सिद्धार्थ शुक्ला को ऑफर मिला, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि शायद यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला नजर ना आए। शूटिंग के कुछ दिन बाकी रह गए और शूटिंग खत्म हो जाएगी। ऐसे में देखते हैं कि शायद सलमान खान सिद्धार्थ शुक्ला को इस फिल्म में ऑफर फिर से दे दे, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। वह सिद्धार्थ शुक्ला की फैन फॉलोइंग है ही इतनी कि कहीं ना कहीं सलमान खान उनको फिर से ऑफर दे देंगे। जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पर शहनाज गिल के ऑफर के बारे में अपने इस खास प्रोग्राम में, तो वहीं सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर भी ये तमाम खबरें सामने आई हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर सलमान खान फिर से किस फिल्म में उन्हें ऑफर देते हैं। तब तक के लिए इतना ही दर्शकों आज के हमारे इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।